नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के रानीपुर जिगला में सरपंच कृष्णा देवी और प्रधान अनिल कुमार की अध्यक्षता में राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर फूड इंस्पेक्टर विशाल कुमार और जीओजी के ब्लॉक प्रधान सूबेदार बलदेव सिंह अपनी टीम सहित उपस्थित थे। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरपंच कृष्णा देवी और प्रधान ने बताया कि गांव में जरूरतमंद लोगों को जो सरकारी सहायता मिलती है उसको घर घर तक पहुंचाना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से जो भी वादे किए हैं वो सरकार की ओर से धीरे धीरे पूरे किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पंच सिंधो कौर, शुभा रानी, महेंद्रो देवी, नाजर सिंह संधू, जसवंत सिंह रानीपुर, अंकू, अंकित गांधी, रोहित कुमार आदि मौजूद थे। पेश है संबंधी हमारे सहयोगी पवन कोहली की एक रिपोर्ट। सूबेदार बलदेव सिंह जी जी ब्लॉक प्रधान हमारे पर आज असी पिंड रानीपुर चिगला दे राशन वंडिया है। नाल साढ़े जीओ जी टीम ते नाल पिंड दे सरपंच कृष्णा देवी जी ते नाल डिपू होल्डर दे नाल मिल के सही तरीके नाल राशन वंडिया है। सारे नूं सही तरीके नाल राशन मिल गया है। मैं अनिल कुमार प्रधान पिंड रानीपुर दा रहण वाला हाँ। माता मेरी सरपंच श्री कृष्णा देवी जी, अज असी अपने पिंड दे विच 300 बैग के करीब कणक मंडी है। तो बाकी यह हैगा कि आपां 50 दे करीब नवें राशन कार्ड बनाए आ। होर भी कोई स्कीम होएगी पंजाब सरकार की आपां घर घर पहुँचावांगे। मैं सरपंच कृष्णा देवी रानीपुर झिगले तो अज बसंबर 10 डिपू ते नीले कार्ड वालों राशन दिता गया है जरूरतमंदां नूं। होर भी अगे भी मैं अपील करती हाँ कि हर नवे कार्ड आज 50 राशन कार्ड नवे बनाए हैं तो वो थानू राशन दिता जाएगा।